हमीरपुर में सुबह निजी बस हादसे का शिकार हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमीरपुर की सलासी के पास निजी स्कूल बस सुबह करीब 8:30 बजे अचानक पलट गई। निजी स्कूल बस में 17 बच्चे सवार थे, जिनमें से 5 बच्चों को गंभीर चोटें पहुंची हैं, जबकि 10 बच्चों को हल्की चोटें आई हैं। हादसे के तुरंत बाद बच्चों को हमीरपुर मेडिकल कॉलेज पहुँचाया गया, जहाँ पर 5 बच्चों को ज्यादा चोटें आने पर उपचार किया जा रहा है। मौके पर DC हमीरपुर डॉक्टर ऋचा वर्मा, ASP बलवीर सिंह, SHO संजीव गौतम ने पहुंचकर घायल बच्चों का कुशल क्षेम जाना। वहीं हादसे के बाद बच्चों के साथ परिजन भी सहमे हुए हैं। आपको बता दें कि हमीरपुर के सलासी के पास निजी स्कूल बस हादसे के बाद मेडिकल कॉलेज में परिजनों का तांता लग गया और घायलों का इलाज किया जा रहा है। घायल बच्चों में ज्यादातर बच्चों के हाथों और गर्दन में चोटें पहुंची हैं। बस के पलटने का कारण स्टीयरिंग लॉक माना जा रहा है। मोड़ पर अचानक ही स्टीयरिंग लॉक होने पर यह हादसा हुआ है। घायल बच्चों ने बताया कि अचानक ही गाड़ी को ब्रेक लग गई और नीचे पलट गई। उन्होंने बताया कि इसके बाद कुछ पता नहीं चला। लगी तो नहीं आपको? नहीं। क्या हुआ कि बस में आ रहे थे? बस में जब हम आ रहे थे ना, हमारे को मम्मी छोड़ के गए ना, और हम बस में चले गए, तो फिर आगे जाके हमने बस मोड़नी थी ना, स्कूल वाले भी आते ना, उनको भी उनकी बस भी मोड़नी थी ना आगे से, तो फिर वो उनको हमने उनको ये कर दिया। और पता नहीं लगा कैसे टायर ही आगे को बस के ऊपर को टायर चुप हो गए थे। आपको लगी है कहीं? नहीं, हमारे को लगी, बाकी बच्चों को लगी। हाँ आपने वही बताया कि आप वहाँ क्या हुआ, देखा क्या आपने बस में क्या हुआ? बस में जैसे आवाज़ आई, गांव के लोग भाग गए और सभी बच्चों को निकाला, बस पहुँच चुकी थी और मैंने 108 के फ़ोन कर दिया है। सब फर्स्ट प्रायोरिटी लगभग कितने बच्चे थे बस में? आप 20 के बाद 20-22। क्या लगता देख के वहाँ पे बस कैसे पलटी? बस का एग्जैक्ट रीजन नहीं आ सकता, कोई वो तो पता नहीं लग रहा, पलटी है बस। क्या नाम क्या था? राजेंद्र सिंह। कुत्ते इंजी तो आंदे घर? आंदे घर च बनाड़ी है। रोज आंदे तुम्हारे बच्चे? हां जी हां जी, रोज आंदे। कभी एड़ी गल नहीं हुई, कभी भी कुछ नहीं हुआ, एक्सीडेंट कुछ आ रहे वगैरह। ड्राइवर केड़ा? ड्राइवर तो बहुत अच्छा है, ड्राइवर बड़ा ही अच्छा है सच्ची। ASP बलवीर सिंह ने बताया कि 17 बच्चे घायल हुए हैं और इनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। उन्हें बताया कि हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। 8:30 बजे के आसपास निजी स्कूल की बस सड़क से निचली तरफ गिरी है, इसमें छोटे छोटे बच्चों को चोटें आई हैं, पर कोई भी ऐसी सीरियस चोट नहीं है। बच्चों को जो फर्स्ट एड है वो दी जा रही है। 2 दिन बच्चों का थोड़ा सा जैसे एक्सरे वगैरह करवाने की आवश्यकता है, पर इसमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चों को कोई सीरियस चोटें नहीं आई हैं, ये बच्चे सारे कोई 10 से 15 साल की उम्र के रहे हैं, तो इनको हॉस्पिटल में पहुँचा के जो जरूरी इनका हेल्थ के लिए इनको फर्स्ट एड देने की आवश्यकता है वो सारी दी जा रही है, बाकी सारी जो पुलिस की कार्रवाई है वो की जा रही है। वहीं उपायुक्त हमीरपुर डॉक्टर ऋचा वर्मा ने बताया कि निजी स्कूल बस के पलटने से 17 बच्चे घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि 5 बच्चों को ज्यादा चोटें लगी हैं। उन्होंने बताया कि हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। सुबह हमें न्यूज़ मिली कि एक बस का एक्सीडेंट हुआ है, स्कूल बस के की प्राइवेट स्कूल है उसकी बस, तो हमारे लोग तुरंत स्पॉट पर पहुँचे और सभी बच्चों को सुरक्षित हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में करीब 17 बच्चे पहुँच चुके हैं, उसमें से किसी को अभी तक बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी नहीं है, जिनकी थोड़ी आशंका है डॉक्टर्स उनका अच्छे से उपचार कर रहे हैं और इस पूरे हादसे की पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाएगी कि ये क्यों हुआ, ताकि कारणों का पता चल सके।